एक सेकेंड. हेलो ऋत्विक यार, तू तो कह रहा था यहाँ पे इन लोगों ने किसी सुपरस्टार को बुलाया. अबे ये तो रवि दुबे है यार. हाँ मुझे पता है तुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके साथ काम करके हमारे पास गाड़ी थोड़ी ना आएगी. एक काम कर, वो जो ईएमआई पे गाड़ी ऑर्डर किया ना कैंसिल कर दे. हाँ एक सेकेंड. ना हेलो. हाँ सरगुन. हाँ हो गया ना पार्टनर का, वो 200 रुपए में ऑर्केस्ट्रा एंकरिंग करता है ना मेरा बेस्ट फ्रेंड ऋत्विक धंजानी. ऑर्केस्ट्रा? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है. वो उसकी गर्लफ्रेंड है ना जो पार्टी में पर्स में तुम्हारी सैंडल लेकर भागी थी, आशा नेगी. एक सेकंड, वो पर्स में सैंडल मैंने नहीं रखी थी, ऋत्विक ने रखी थी. मैंने तो सिर्फ बाथरूम से डीओ चुराया था. हाय हाय हाय. अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इन सबको एंटरटेन करने के लिए भी तू इनके बैग से डीओ चुराएगी या कुछ और सीख के आई है? अरे नहीं, मैं जोक सीख के आई हूँ. मैं जोक बोलूंगी, आप लोग हंसना प्लीज. तो बताओ वो कौन सा लेटर है जिसे हम पढ़ते नहीं है उस पे पड़े रहते हैं? कौन सा? वेंटिलेटर. अरे बाबा, मुझे लाइनें क्यों नहीं देते हैं लोग? अगली बार जोक मारने के बाद ऐसे हाथ खड़ा करना, मैं भी हंसूंगा. और कभी भी स्क्रिप्ट में कोई चेंज अगर करवाना हो ना आशा, एनी टाइम, हाँ मुझे बोलना मत. स्क्रिप्ट के मामले में सिर्फ मेरी सुनना. वैसे भी बचपन से लेकर आज तक ना मुझे अपनी बात मनवाने की बहुत आदत हो गई है. एक बार तो अपनी गर्लफ्रेंड को ना मैंने बेबी की जगह बाबू बोल दिया था. अब मुंह से निकली हुई बात गलत ना हो इसलिए मैंने जेंडर चेंज करवा दिया. वो दिन है और आज का दिन है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आज भी बेबी होके बाबू बन के घूमती है. एक सेकंड यार, मेरी बाबू का फोन आ रहा है. हेलो ऋत्विक. हाँ बाबू कैसा है? खैर ये है एक छोटी सी झलक हमारे शो की. ऐसी बातें बहुत होती रहेंगी.